सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं कांतरक्षा। आज हम लोग थोड़ा कंप्यूटर के बारे में थोड़ा जानेंगे। क्या है कंप्यूटर? देखिए, सबसे पहले हम कंप्यूटर का अगर बात करते हैं तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कैसा मशीन है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसके माध्यम से आप कोई भी कैलकुलेटर से संबंधित और अन्य काम भी आज हम कर सकते हैं। तो कंप्यूटर में देखिए, ये वाला जो हिस्सा होता है इसे हम कहते हैं मॉनिटर। क्या कहते हैं? मॉनिटर। ओके, और ये वाला है, ये माउस, एक्चुअली ये कीबोर्ड है। और कीबोर्ड में आपके कुल 104 कीज़ होते हैं 104 कीज़। और इसे, इस वाले पार्ट को हमने नाम दिया है, वो है आपका कीबोर्ड। क्या नाम है? कीबोर्ड। ओके, देन उसके बाद आपका ये वाला आता है। इस वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं? इस वाले को हम कहते हैं सीपीयू। और सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, तो ये कंप्यूटर के कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स है। और बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। आज आपको समझना होगा कि व्हाट इज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये क्या होता है। देखिए, नाम से समझ में आ रहा, हार्ड का मतलब डिफिकल्ट कुछ हो सकता है, जैसे कि कंप्यूटर। तो कंप्यूटर उठाने में ऑफकोर्स हमें अपना फोर्स का यूज़ करना पड़ेगा, अपनी ताकत का यूज़ करना पड़ेगा। तो हार्डवेयर मीन्स होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, मान लेते हैं जैसे कि आपका हो गया कंप्यूटर, देन उसके बाद सीपीयू, प्रिंटर, जैसे आप खुली आँखों से देख सकते हैं, बिकॉज ये विजिबल है। तो विजिबल पार्ट को हम क्या कहते हैं? हार्डवेयर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। ओके, देन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है? जिसे आप खुली आँखों से उसे छू नहीं सकते। आप देख तो सकते हैं लेकिन खुली आँखों से उसे आप छू नहीं सकते हैं। जैसे कि आपके फ़ोन में ही हो गया ईमेल। ओके,